दोस्तों एक बड़ी मजेदार बात है, हमारे यहां एक तीन मित्र आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे साहित्य के ऊपर कि साहित्य का गर्भवती महिला पर क्या असर पड़ता है। एक सज्जन बोले, अरे बिल्कुल सीधा असर पड़ता है यार। बोले क्या? बोले हमने अपनी बीवी को एक किताब दी थी पढ़ने के लिए, दो बेटी, हमारे बीवी के दो बच्चियां पैदा हुई। तीसरे बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, हमने अपनी पत्नी को किताब दी थी, तीन लोफर, तीन लफंगे पैदा हो गए। तीसरे सज्जन उठे चल दिए। अरे बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बोले यार रुखाम से यार, आप तो सस्ते में पड़ जाएंगे, आपके दो बेटियां, आपके तीन लफंगे हैं, मैं अपनी पत्नी किताब दे के आया हूँ, अली बाबा 40 चोर। बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या बताऊ। मैं अब जा रहा हूँ, बहुत दुखी हो चुका हूँ, इतना दुखी हूँ कि पत्नी से अच्छा तो कोई ये मिल जाता ठीक रहते। अब मैं जा रहा हूं, बहुत इस वक्त मेरी हालत वो खराब है, तनख्वाह कम है, खर्चे ज्यादा है। मैं जा रहा हूं इस मोहल्ले में, देखता हूं कहां जा रहे। कौन है? इधर आइए। कौन है माता जी? आप कहां है? अरे रे रे रे, दिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा, टटोल रहा हूं। अरे क्या टटोल रहा? आपका चेहरा। अरे क्या दिखता नहीं रात में? जी नहीं, हमको दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखता है। रात में दिखता है? तो टटोल क्या रहा? अरे मोहल्ले का रास्ता, मोहल्ले का रास्ता, गली नंबर 3 देख रहा हूँ, गली नंबर 4 देख रहा हूँ। क्या कर रहे थे, हमारी औरत कहीं चली गई? जी नहीं, हमारी औरत है ही नहीं, कहीं चली गई है ही नहीं, जाए कहाँ? अभी तो आप कह रहे थे। अरे हम औरत वाले है ही नहीं। तुम्हारा काम कैसे चलता है? हमारा काम चलता थोड़ी है, हाँ? चलाते रहते हैं। किससे चलाते हो? अरे आप नहीं समझेगी, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी भाई? अच्छा क्यों पड़ी मेरे पीछे आप? हाँ क्यों पड़ी मेरे पीछे? तुमसे कुछ काम है। मैं क्या काम है? है आई एम हैंडसम। हाय हैंडसम? यस। कहाँ रहते हो? आपकी गली में। हमारी गली में? जी हाँ जी। हमारी गली में तो एक ही मकान है, जो आपकी गली का मोड़ है ना। हाँ जो पीछे वाला कमरा है। पीछे वाला कमरा? हाँ उसी में रहता हूँ। पीछे हमारा कौन सा कमरा? सस्पेंस है। हाँ कोठरी है हमारी, हर आदमी नहीं समझ सकता है। अरे कोठरी है वो जो। हाँ कोठरी हो या कमरा हो, आपके पीछे वाले में रहता हूँ मैं। फिर हमारे पीछे वाले में रहते? अरे भाई आपकी गली आगे है। हाँ जो पीछे वाली गली है। हाँ हाँ वो मोल है, मोल है, मोल। हाँ गोल चौराहा है। हाँ उसी गोल चौराहे में रहता हूँ। गोल चौराहे में रहते हो? जी हाँ जी हाँ। तो कभी आते नहीं हमारी गली में? ट्रैफिक वाले ना, ट्रैफिक वाले गोल चौराहे रहते हैं। तो हमारे घर में क्यों नहीं आते? क्या कर रहे हैं? क्यों आपके घर में है क्या कबाड़ है? सब कबाड़ कबाड़। आपकी बूढ़ी माता जी है। अच्छा है? उसे हम शौकीन है कबाड़े के। हम कबाड़ का काम करते हैं, पुराना माल खरीदते हैं। सही है। सही है। आप ये बताइए। हाँ। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे आप प्यार करती है? तुम्हें मोहब्बत करती है? ओहो। बात क्या है? और कभी तुमने सोचा है? सोचा था, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। दूर बैठो, दूर। दूर तो जा नहीं सकता हूँ। आप जहां जहां जाएंगे मेरा साया साथ होगा। अच्छा हाँ क्यों? क्योंकि 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 ऐसा आप नहीं समझ रही है। अरे क्या है आपका स्वभाव? वो चिकना है। हाँ चिकना तो ही है। फिसल रहा है। क्यों? मेरा पैर फिसल रहा है। ये बताइए आप बड़े लब रहे हो। जी मैं लब लब नहीं करता हूँ। क्या करते हो? मैं सीधा काम करता हूँ। तो सीधा बैठो ना। सीधा हो नहीं जब बात करना कायदे से करो। बताइए ना। अरे अरे अभी कोई मोहल्ले का देख लेगा क्या कहेगा? मोहल्ले ये लोग देख रहे हैं क्या? बहुत लोग बैठे हैं। ये सब देखते नहीं हैं। क्या करते हैं? ये पर्दे के अंदर से काम करते हैं। हाँ? इनको दिखाई नहीं देता है। किसी को नहीं दिखता? अरे कहाँ दिखता है? तुम्हें दिखता है? ये कोई आदमी क्या? कौन है? है? ये आदमी नहीं है। कौन है? मूली की जड़ है। मूली की जड़? यस नीचे का सामान।
नीचे का मूली अंदर होती है। हाँ हाँ, जमीन में मूली का सर नहीं होता। सर नहीं होता है, उसके पर होते हैं। पर होते हैं? और जमीन के अंदर एक सामान और होता है। कौन सा होता है? शकरकंद, 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 शकरकंद। ए ए, शकरकंद बहुत खाते हो क्या? जी नहीं, हम नहीं खाते हैं। हाँ, आप खाती हैं क्या? कौन सा? कौन सा? उबला खाती? भूजा? भूजा हुआ ना, उबला खाओ ना भूजा खाओ। हाँ, कच्चा खाओ ज्यादा फायदा रहेगा। कच्चा नहीं हम खाते। कच्चे में दूध निकलता ना। खड़ा हो जल्दी जी। कैसे बैठ गए जी? आपने बैठा ना, बैठ गए। हमने तो नहीं कहा बैठो जी। माफ करिएगा, हम आप से बहुत प्यार करते हैं। क्यों? हो सकता है मेरा दिल आपके बिल से मिल रहा हो। बिल से? अरे आपके घर में जो बिल आता है ना टेलीफोन का। हाँ 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 हाँ, हम वही तो अदा करते हैं। तुम अदा करते हो? कौन देता है? मोबाइल तो हमें लगा रखा है। अच्छा, मोबाइल आपका है? हाँ। सिम कार्ड हमारा है। आप बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। नाश्ते पूछ लेंगे आप? क्या लाए बताओ? क्या खाएंगे आप? रसगुल्ला लाए? मत खाया करिए। क्यों? सारा रस निकल चुका है, खाली स्पंज बचा है। तो स्पंज हम क्या करें? दबा दीजिए, वो जो बचा होता है निकल जाएगा। तुम ये बताओ, बार बार हमारे कमरे में क्यों आते हो? आपसे मोहब्बत है हमको। मोहब्बत है? जी हाँ, प्यार है, लव है, लवेरिया है। लवेरिया? हाँ। क्या तुम्हारे घर में और कोई है नहीं? जी हम अकेले हैं, वनली वन पीस। तुम्हारे कमरे में उजाला तो होगा, टीवी देख लिया करो कभी कभी। अरे उजाला कहाँ है, आप तुम्हारी चाइल्ड लाइट मार रही, चकाचक दिखाई दे रही, चकोलाइट दिखाई दे रही। हाँ तो बड़ा भोगल मार रही है। तो आपके घर में रोशनी का साधन क्या है? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया साधन। क्या साधन है? हम अंधेरे पड़े थे। अंधेरे पड़ रहे थे? तुम्हारे बत्ती नहीं है? बत्ती कहाँ है? बत्ता है, बत्ता है। हाँ, बहुत परेशान है। तुम्हें एक साधन हम बता दे। आपका एहसान होगा, मेरा सामान होगा। आप ये बताइए, मेरे घर में उजाला कैसे होगा? हाँ बता रहे तुम्हें, बताइए। बाजार जाओ, एक मोमबत्ती ले आओ। एक मोमबत्ती? उसको जलाओ, काम चला लो। एक मोमबत्ती और क्या? कब तक जलती रहेगी? जब तक मोमबत्ती लाए थे। हाँ, मोम मोम जल गया, बत्ती पकड़े बैठे रह गए। दूसरा साधन बताए। बताइए। बाजार जाइए, एक लकड़ी लाइए इतनी बड़ी। एक लकड़ी इतनी बड़ी? अच्छा, उसको क्या करेगी? उसमें कपड़ा लपेटो, फिर मट्टी तेल डालो, जलाओ, काम चलाओ। तेल डाले? हाँ। क्यों? लकड़ी का सत्यानाश कर रहे? क्यों? एक लकड़ी कब तक सुलगती रहेगी? उस लकड़ी के लिए कोई चूल्हा है? चूल्हा जिसमें डाल दे तो गर्माती पड़ी रहेगी। चूल्हा तो हमारे यहाँ नहीं है। आप क्या चूल्हा नहीं है? आप ये बताइए, आप अपने घर में रोशनी किससे करती हो? कम पैसे का काम हो? बहुत कम, कम खर्चे का काम। बहुत कम, बहुत कम खर्चे। हमारे यहाँ वो जलती है कुप्पी, ढिबरी ढिबरी। हाँ, चिमनी 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 छोटी सी है जो दिहाड़ में चलती है। हाँ, गाँव में। हाँ, आपकी चिमनी में कितना तेल लगता है रात भर में? चार आने का लगता है। कितना सस्ता साधन हमने आपको बताया। आपकी ढिबरी में चार आने का तेल लगता रात भर? हाँ, तो सस्ता काम है। हाँ भगवान, छोटी सी है कुप्पी। हाँ, छोटी के शौकीन है हम, कम खर्चे की ना। हाँ, एक दफा दे दीजिए। क्या दे दे? अपनी ढिबरी। लेकिन उसमें बत्ती नहीं है। बत्ता हम डाल देंगे, आप दे के देखिए। आप बताइए, आप लोग अरे इनको हम दे दें तो हम क्या करेंगे? क्या अंधेरे में धरे रहेंगे? नहीं नहीं, आप दूसरा साधन बना लीजिए ना। आपके अम्मा के पास होगी ना? अम्मा के पास? आपकी ढिबरी है। हाँ, अम्मा की कुप्पी होगी। हाँ, अम्मा के पास भी है। अम्मा वाली तुम काम चला लीजिए। तो अम्मा क्या मेरी अंधेरे में रहेंगे? नहीं अम्मा तो एक काम करिए। हाँ, तुम्हारे पिताजी पास होगी क्या मोमबत्ता? वो हमारे पिताजी नहीं है। बाहर ऊपर चले गए? ऊपर नहीं गए, बाहर गए, विदेश। बाहर चले गए? हाँ। तो मोमबत्ती तो घर में रख गए होंगे। मोमबत्ती कैसे घर में रख जाएंगे? अरे भाई, अच्छा छोटी सी बात, आप दे दीजिए ना। क्यों? तुमको दे देंगे, हम क्या करें? क्यों बात क्या, क्यों नहीं दे ना? क्यों नहीं दे? नीचे से जो है ना टपकती है, चू रही है। हाँ, चूती है। तो हम चूते में काम चला लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें चला गए। आपकी चू रही ना? हमारी नहीं चू रही, कुप्पी चू। हाँ, कुप्पी चू रही ना, कुप्पी। हाँ,
उसमें हम उसको रंजवा लेंगे, रांगा लगवा के सही करा लेंगे। आप दे दीजिए। ना कतई नहीं दे दे, ना दे दे कतई नहीं। हम कह रहे दे दे ना। तू नहीं जानती है क्या हम औरंगाबाद आदमी है तो क्या करोगे हमारा? इसकी पसंद आ गई बिना लिए छोड़ो नहीं। कुत्ती एक दफा देखे देखो। कादिस बोले बदतमीज देखे देखो। कतई नहीं। अगर तूने अपनी कुप्पी नहीं दी तो क्या करोगे? जितने लड़ुए बैठे हैं यहाँ, हाँ यहाँ, हाँ सबको बुलाऊंगा, हाँ और तेरी कुप्पी कुछ कुछवा दूंगा, उसकी पोछा खराब कर दूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? अरे जब कुछ कुछ आ जाएगी हाँ तो चपकी हुई लिए घूमेगी। क्या चपकी हुई? अरे कुप्पी पचक जाएगी हाँ तो फुलवाती घूमेगी। आप डोंट माइंड यार, गुस्सा मत करो। हंसे ना क्यों? हाथ कहाँ रख रहे हो? जहाँ रखने की जगह यार है? क्या है भैया? लाइट मार रहा है यार। क्या ये है? क्या कहाँ? क्या वहाँ नहीं, यहाँ। यहाँ क्या? अच्छा शोरूम जब चमकेगा तभी तो गोदाम में सामान बिकेगा। अरे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। एक कपड़े हैं? हाँ कपड़े हैं, नए फैशन के। हाँ नए फैशन के। एक काम करिए आप। क्या करें? कोई गाना सुनाइए। गाना बहुत सुनते हो तुम? हम पैदाइशी राजे महाराजे हैं। अच्छा देखिए मेरा सोफा देखिए। हाँ ये तुम्हारा है? ये मेरा है। ये हमारा है। तुम चले कैसे अंदर? जिसके घर में घुस जाए वो हमारा है। ये देखिए। क्या गुलदस्ता देखिए? ये तुम्हारा है? ये हमारा है। कब ले? दरवाजा देखिए पीछे वाला, ये तुम्हारा है। मतलब दरवाजा हमारा है, एक गुलदस्ता तुम्हारे है। पीछे से प्रवेश करते हैं। अच्छा बाएं से निकल जाते हैं। पीछे के शौकीन ज्यादा दाहिने पकड़े बैठे रहते लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। खाते क्या हो तुम इतना बोलते हो? हम खाते क्या? क्या खाते हो? खाते का पीछे ज्यादा है। क्या पीते हो? दूध। दूध? हाँ। कहाँ का दूध पीते हो? क्या मतलब कहाँ से लाते हो? हम ना तो भैंस का पीते हैं ना गाय का पीते। तो क्या किसी औरत का पीते? नहीं डब्बे का। डब्बे का? अच्छा पराग पराग पराग। औरत पी के मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ यार, अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ। रोज डिमांड करती, रोज फरमाइश करती है, ये लाओ वो लाओ, ये कर वो कर। मैं जा रहा हूँ उसी तलाश में, अगर मिल गई तो आज बवाली होगा। चलता हूँ। क्या बताए, अपने भतार से बहुत परेशान है। जब देखो लड़कियों के पीछे लाइन लगा रहे थे, आज मेला लगा हुआ है, जा रहे उनके तलाश में, अगर मिल गए ना तो रास्ते में पटक के मारेंगे। जा रहा हूँ रास्ते में हूँ, अभी कोई समझ बात नहीं आ रही मेरी। क्या जय हो प्रभु। हमने सुना है भगवान जब देता छप्पर फाड़ के देता है, ये तो क्या सोनू ट्रैक की छत फाड़ के दे रहा क्या? अच्छा सामान है, हाथ पैर तो ठीक है, दुकान पता नहीं कैसी होगी, ट्राई करते हैं। घूम गई। ए क्या नाम तुम्हारा? हाँ क्या नाम है? नाम क्या है? हाँ मतलब हाँ बोले बात क्या घूंगी है? बहुत अच्छे अरे भगवान बहुत अच्छा दिया, व्यवस्था किया, घूंगी है। कितनी बदतमीजी करो, किसी शिकायत नहीं करेगी। अगर कोई मामला फंस गया, कोई पुलिस वाला आ गया पूछेगा ए क्या हुआ, तो मैंने क्या करेगी? ए, 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 कोई केस नहीं, बड़ी छूट जाऊंगा। बहुत अच्छे। ए मुंह दिखाओ मुंह क्या मतलब? रोकड़ा पैसा कितना दे? एक रुपया? सौ रुपया? अरे 100 रुपया
100 रुपया में 4-5 औरतें ढूंढ लूंगा, तू क्या समझती है? अरे अखा बम्बई जानता रे, बहुत लंबा आदमी है रे, पंगा ले लेगा, समझा? हाँ बोल, मुझे दिखा ना, दिखा दे, देता हूँ ना, अरे देता हूँ ना यार, हाथ डाल के निकाल ले, ले किधर से निकालूं? तू पहले मुंह दिखा ना, ले निकाल। है ना? नहीं है? फिर क्या है? ओ खुदरा पैसा, खुदरा पैसा है, रेजगारी है, रेजगारी। निकाले निकाले, अठनी चवनी, अठनी चवनी नहीं निकालेगी। अच्छा मुंह दिखा, अरे दिखाना यार मुंह दिखा। मैं इधर मुँह करूँ? बहुत अच्छा, इधर मुँह कर, तू भाग ले। नहीं ये बड़े बुरे फंस गए, तो मेरा पुराने क्वार्टर है। हेलो अम्मा, तुम्हारी बच्चों की, मैं तो जानता था तुम वही हो। वही कौन? हमारी वो, वो कौन? हम तुम्हारे ये है, तुम्हारी वो। क्या बात, क्या कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हाँ नहीं, नाराज मत होइए, कहीं नहीं गए थे, हम बात नहीं करते तुमसे। नाराज हो गए क्या? ए मान जाना, ये मान जा, कतई नहीं, ए मान जाना, ए मुन 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 नहीं मानेगी आज, समझती अपने आप को। रख तेरी जैसी, न जाने कितनी औरतें मेरा पता पूछती है। हाँ। हमने आज तक किसी को नहीं बताया, तो क्या समझती है अपने आप को? क्या है तू? तू क्या है बे? आई एम मर्द, आई एम औरत। औरत क्या है? मर्द क्या कद्दू है? औरत क्या घुइयां है? मर्द क्या बैंगन है? व्हाट इज द बैंगन? हाँ तुमने बैंगन देखा है? हाँ देखा है। कौन सा? जिसकी सब्जी बनती है। सब्जी तीनों बनती है? हमने लंबा वाला देखा। हाँ वो बड़ा भाई है। कैसा है रंग? कैसा है? काला। हाँ बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। उसका छोटा भाई होता सफेद बैंगन, छोटा। हाँ छोटा सफेद बैगन, मैंने नहीं देखा। और सबसे छोटा होता गोला वाला। अच्छा। हाँ तीन भाई हैं। तो अरे तू किसको चाहिए? क्या चाहिए? बड़ा वाला चाहिए कि छोटा वाला चाहिए? नहीं कि हमें नहीं चाहिए कोई भी। हम मर्द हैं, हमसे भिड़ना नहीं, समझी? हाँ हाँ। औरत क्या है? मर्द क्या? मर्द मर्द है। औरत देवी का रूप होती, समझे? औरत देवी होती? औरतें ना होती भूखो मर जाते। कैसे? चक्की चलाते चलाते। ओहो चक्की चलाते। हाँ। अरे हम वो मर्द है। कौन? आजकल हिंदुस्तान में कोने कोने 440 बोर्ड कनेक्शन फैला हुआ है, जगह जगह चक्कियां खुली हुई है, बत्ती लगी हुई है। जहाँ देहात है, गांव है, वहाँ बत्ती नहीं है, वहाँ देसी कारोबार है। क्या? हैंडी लगाया, गल्ला डाला, शुरू हो गई पुक 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 पुक। जहाँ तेरी पुकपुकानी है, क्या पुकपुकानी? चक्की, गल्ला लेके पहुंच गए, पिसाया पिसा के लौट आए, ठोका पीटा, पेट भर लिया, मगर तुझको अपनी चक्की का खूंटा नहीं पकड़ा। माफ करना, औरत ना होते तो भूखों मर जाते, रोटी पकाते पकाते। ये ढाबा कैसे खुले हुए? कब तक ढाबे में खाओगे? ये 25 रुपए थाली आ रही, 100 रुपए ला के दे रहे हैं, तो? उसमें दाल भी है, सब्जी भी है, और रायता भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, मूली भी है, है सारा कुछ है उसमें, नींबू भी है। हम मर्द है, किसी होटल में घुसेंगे, पेट भर खाएंगे, मुँह पे ताव देंगे, मगर तेरे चूल्हा में लकड़ी नहीं लगाएंगे। माफ करना, औरत देवी का रूप होती, समझे? औरत देवी होती है? हाँ। मर्द होते देवता। औरत होती महादेवी। आई एम महादेव बाबा। औरत होती काली भवानी, काल भैरव। औरत होती दुर्गा माता, भैरव बाबा। औरत होती संतोषी माता। अरे संतोषी माता। हाँ। मर्द संतोषा बाप। औरत होती गौ माता। इसमें हंसने क्या बात है? औरत क्या होती है? गौ माता। ये है गौ माता। मर्द क्या होता है? साल देवता। वाह साल देवता, क्या वैल्यू है? गौ माता क्या वैल्यू? बहुत वैल्यू है। क्या वैल्यू? गौ माता पूजा होती है। अच्छा। और वो दूध देती है। तुम कितना देती हो? आप ही गौ माता दूध देती है, कितना देती है आप? कितना लोगे? कितना देती है? कितना लोगे? तुम जितना दे सको। तुम लोगे कितना? पूरे दिल्ली में इतने मर्द है, अगर पाव पाव भर लेंगे तो तुम्हारी डेयरी खत्म हो जाएगी, सब हमारे बच्चे हो जाएंगे। काहे के लिए? क्यों? गौ माता का दूध पीने वाले बच्चे थोड़ी होते हैं। तो तुम्हें तो करे कितना देती हो? हाँ वही तो पूछा। वही तो हम भी कह रहे हैं। गौ माता दूध देती, साल देवता। साल देवता क्या देते? मट्ठा। कब देते? हमने आपकी बात को मान लिया, ये जितने लोग बैठे हैं सब समर्थन करेंगे। हाँ। कि गौ माता दूध देती है, उससे दही बनता है, मक्खन बनता है, सारा हिंदुस्तान खाता है। हाँ। लेकिन एक बात क्यों भूल रही हो? हाँ। अगर गौ महारानी के दफ्तर में ये साल दस्तखत करने नहीं गया तो दूध दही कुछ नहीं होगा। नहीं वही बताओ, घबराने में सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी? अरे श्रीवाई, 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 श्रीवाई,
सरकारी आदमी कौन? यस। कौन? गवर्नमेंट के आदमी है। किसके? पुलिस के औलाद है। तुम्हारे बाप का नाम क्या? रघुवीर सिंह भदौरिया, सेना नायक 37 बटालियन कानपुर। इतने बदतमीज हो तुम। तो उनकी गलती नहीं है। किनकी गलती? पुलिस वाले की औलाद ऐसी होती है। अच्छा, यहाँ आइए। एक कोई गाना सुनाइए ना, हमने आपकी कैसेट बहुत सुनी है। कहाँ? कैसेट बहुत सुनी है। वो जो गाना आपने गाया था, क्या नाम है वो, बकरी चरावे गई ली तो क्या हो गया था, सुनाइए ना। हम चराते क्या? हम बकरी थोड़ी चराते हैं। क्या करते हैं? आप बकरी चराती हैं? गांव में रहती हैं? देहाती माल है। देहाती माल इतना अच्छा कैसे हो सकता है? देहाती माल है। हाँ, गांव में रहते। क्यों, कोई दिक्कत है? गांव में? तुम्हारा गांव कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। ये गांव काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। कोई साधन जाने का? कभी गए हो? तुमने अपने गांव का रास्ते नहीं दिखाया। तुम देखने नहीं चाहते तो क्या दिखा? तुम्हारे गांव में आगे जाने का रास्ता है पीछे से? दोनों तरफ से। ओहो, तो पीछे से क्या सवारी जाती है, आगे से क्या साधन है? पीछे साइकिल आती है। आगे से? आगे से रिक्शे वाले जाते। हाँ, तीन पहिया वाला जाता आगे से। बहुत अच्छे। और दो पहिया वाला पीछे से? हाँ। बहुत अच्छे। हमारे पास तो वो है। क्या है? फोर व्हीलर। ये क्या? वो किधर जाएगा? चार पहिए का है। चार पहिए? वो किधर जाएगा? वो नहीं जाता। नहीं जाता? थोड़ी जगह और चौड़ी करा लो। कैसे करा ले? अरे प्रधान से कहो, सभासद से कहो, चौड़ी करवा देंगे। अच्छा आ, अच्छा लगे, कल फिर आना। फिर बदतमीजी फिर करवानी। अब गाना सुनाइए जरा। बकरी चरा भी गई ली हो। जियो कैलाश भाई, क्या बात है, तबीयत ठीक है? मेरे मौसम बन गया है, मैं समझ रहा हूँ। बकरी चरा भी गई ली। आप के पास बकरी है? हाँ। कितनी बकरी है? 20 बकरा। बकरे क्या काम है? लीजिए साहब कैलाश भाई, सुन लीजिए, 20 बकरे की टीम में कप्तान है नहीं। क्या काम है कप्तान? हमारे पास दो कप्तान है। तो एक बकरीद वाला है, एक बड़ा खतरनाक है। हाँ। सुबह 5 बजे उठता है। तो क्या करता है? और किसी बकरी को देखा तो नहीं करता। क्या करता है? ओ ओ ओ, इसको ले जा, पूरी टीम समझ लेगा। पूरी टीम तेरी समझ लेगा अकेले। बकरी चरा भी गई ली हो। अब आपके समक्ष आ रहे हैं उत्तर भारत के मशहूर कलाकार, हास्य सम्राट, हंसी जगत के गोल गप्पे, चौधरी धर्मपाल सिंह। सियाराम, ये आकाशवाणी है, अब सुनिए हवा महल। हवा महल में मैं आपको सुना रहा हूं रामायणी भ्रम। एक आदमी को रामायण से भ्रम हो गया था। ये हमारे घर में जो बीमारी बढ़ रही है भैया, ये सब रामायण से बढ़ रही है, जबकि रामायण से बीमारी ठीक हो जाती है। अब मैं सुनाता हूं ये गडरिया का किस्सा, ये है रामायणी भ्रम। रामायण से भ्रम हो गया उसको। गंगा दीन गडरिया, जिसने पाल रखी 10 पेड़ 12 बकरिया, प्रभु की माया के आगे हमारी चलेना तुम्हारी, फैल गई पसुन में बीमारी, दौड़ो दौड़ो को गडरिया एक पंडित जी पे। पंडित जी महाराज, हाँ भैया मेरी तो है गई रेड़। क्यों? मर गई 2 बकरिया और 4 भेड़। पंडित जी ये रामायणी तत्काल बोले, गुरु भैया रामायण को पाठ कर दे शुरू, सब संकट कट जाएंगे, खोटे गए नक्षत्र सब आप ही हट जाएंगे। 1,000 रुपया दक्षिणा को दे के गडरिया को अपने घर, 2 दिना की और रामायण को पाठ, और भेड़ सब मर गई, बकरिया रह गई 8। अब घरवारी घुर्राई, हाय मैंने पहली मने करी तुम थे, या रामायण ने रावण सरी के मार दिए, पर तुम्हारी समझ में तो एक सीख ना आई। गडरिया फिर गयो, दयालु दयालु रक्षा करो हमारी, रावण से तो और जोर पकड़ गई बीमारी। पंडित जी ने घुर्राए, अरे नालायक शास्त्र पर शंका ना करो। करे भैया, अरे चालू रख रामायण, सब ठीक कर देंगे नारायण। फिर गडरिया अपने घर आ गो, 4 दिना में रामायण संपूर्ण कर डारी, होनार की बात, भेड़ बकरिया सब है गई भगवान को प्यारी। रे गो छोटो सा बच्चा भेड़ को मेमना, दादी बैठो मेरे पीछे, मैं। दूसरे दिन गडरिया भूखो प्यासो
मक्का की रोटी मीन रहे हो छाछ में, वह बच्चा ने डाल दियो छाछ में मोह, अब गडरिया चिल्लायो क्यों? अरे तेरी भी मौत आ गई है का लाउन कार के रामायण, तू तो एक भी चौपाई को ना सारे पट मर जाएगो। ये हुआ रामायण फिल्म, आप सुनिए लोकगीत। आओ जी मास्टर साहब चेहरा नहीं नहीं ये अच्छा मुकाबला कर रहे हो, जो मैं गले से निकालू बाजे में निकालोगे ना 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 नहीं नहीं ये जावड़े की तारे ये थैंक यू। आप सुनिए लोकगीत। अरे देखो री खारी और बंसी वारो मुई आ देखोरी नद को लाला मुई बुलाई लीग जाए ओ देखोरी बंसी वारो कैसो है हाँ एक कजरा ले नैन कजरा ले लिया कि भोए कटीली किया जी अमीर छलनी बनाए समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज रेड बाय डीपी सिंह चौधरी। ये झूठस्तान रेडियो है। अब चौधरी धर्मपाल से उर्दू में खबरें सुनिए। सुना जाता है कि आज दिल्ली के चौराहे पे दो कुत्ता मांग पत्ता खेल रहे थे, पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जज साहब की अदालत में मुकदमा पेश हुआ। जज साहब ने दोनों कुत्तों को नंगा देकर 11-11 रुपए देकर बरी कर दिया। उर्दू में खबरें खत्म हुई। अब सुनिए मौसम का हाल। अनुमान है कि आज रात के 2 बजे हल्की हल्की धूप निकलेगी। कल दिन के 12 बजे से 4 बजे तक ओस पड़ेगी। मौसम का हाल समाप्त हुआ। अब सुनिए चित्तपट संगीत। गाने आ रही है आशा भैंसले।